नमस्कार, मैं प्रियंका देवा से नव भारत की इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें। दिल्ली में किसानों की महापंचायत। महापंचायत में 5000 से अधिक किसान पहुंचे, जिसके मद्देनजर सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर समेत दिल्ली की सीमाओं पर सोमवार को सुरक्षा कड़ी कर दी गई। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी यातायात जाम देखा गया, जबकि सिंधु बॉर्डर पर भी वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। संजय राव की हिरासत 5 सितंबर तक बढ़ी। पात्रा चौल घोटाला मामले में सांसद संजय राउत को पिछली बार कोर्ट ने 22 अगस्त यानी आज तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। अब विशेष पीएमएलए अदालत ने राउत की न्यायिक हिरासत 5 सितंबर तक बढ़ा दी है। राजू श्रीवास्तव की शरीर का मूवमेंट पहले से बेहतर। राजू श्रीवास्तव की तबीयत में सुधार है, लेकिन अभी भी उनका ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, वो लिक्विड डाइट पर है और उन्हें नली के जरिए जूस और दूध दिया जा रहा है। केंद्रीय कर्मियों को मिलेगा 18 माह का DKDR का एरियस। स्टाफ साइड के राज्य परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 18 अगस्त को कैबिनेट सेक्रेटरी एवं नेशनल काउंसिल के चेयरमैन को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के प्रभावी महंगाई भत्ते का एरियस तुरंत जारी करने की बात कही।